कैसे करें अपनी गलती का प्रायश्चित, भगवान से कैसे मांगे माफी, शास्त्रों में क्या है प्रायश्चित करने का उल्लेख। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते और अपनी गलती का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ते हैं। कई बार इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जिसको लेकर उसे बहुत पछतावा होता है और वो दुखी रहता है। वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी गलती का प्रायश्चित किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में इस बात का जवाब है। आपको बता दें कि सुखदेव जी महाराज महाभारत काल के मुनि और वेद व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव बचपन से ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। सुखदेव जी ने वेद व्यास जी से महाभारत पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद भागवत के षष्ठम स्कंद में दर्ज किया गया था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से सवाल किया था कि अगर हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, सांस के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं, तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। उनके इस सवाल को सुनकर सुखदेव जी ने प्रायश्चित करने का तरीका बताया। आचार्य सुखदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रोज 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। पहला यज्ञ, आचार्य सुखदेव के अनुसार अगर अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गौ को एक रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल लेनी चाहिए। दूसरा यज्ञ, प्रायश्चित करने के लिए चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उसका पेट तो भरेगा ही, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। तीसरा यज्ञ, आचार्य सुखदेव के अनुसार पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म होती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके दोषों से बचने का एक मौका मिलता है। चौथा यज्ञ, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। इसके अलावा मछलियों को दाना भी डाला जा सकता है। पांचवा यज्ञ, आचार्य सुखदेव के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में हुए पापों के बोझ से मुक्ति पाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।